अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे कि कल मैंने ऑडियोज में थोड़ा आपको करवाया भी था, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो सेकंड एलिमेंट है, यहाँ सेकंड के बजाय आप फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला जो डायगोनल रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये फर्स्ट एलिमेंट ही लिया हुआ है। थोड़ी कुरेक्शन आप कर लेंगे अपने नोट्स में। फर्स्ट एलिमेंट है जो ग्रुप वन का, ठीक है, ग्रुप टू का डेट्स ओके, लेकिन ग्रुप थ्री नहीं है ये। बोरान एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आता है? 13 में ना, और ये कार्बन सिलिकॉन 14 में। तो यहाँ पे आप कुरेक्शन करेंगे तो ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14 कर लेंगे। शो करते हैं सिमिलरिटीज़ प्रॉपर्टीज़ में कौन से एलिमेंट के साथ विद थर्ड। भाई यहाँ पे थर्ड तो नहीं है, ये तो सेकेंड है, तो यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे आप। एलिमेंट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप ऑन राइट साइड, राइट साइड तो है, एडजेसेंट भी है, बगल वाला है, पड़ोसी है, पास वाला है ना, दैट इज़ ग्रुप टू, ग्रुप 13, 14। ठीक है, अब ये जो सिमिलरिटी है प्रॉपर्टीज़ में, इसी को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो अकर्स करता है फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स में, इन एलिमेंट्स में। अब आपको क्या कुरेक्शन यहाँ करनी है, ग्रुप लिखना है 1, 2, 13, 14। ठीक है, उसके बाद बचा जी ये लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम बोरान एल्युमिनियम कार्बन सिलिकॉन, सारे सही हैं। और यहाँ पर ये इससे डायगोनली, ये इससे डायगोनली, ये मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो यही है इन प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटी है, इसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के बीच है, लिथियम मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके बाद बेरिलियम एल्युमिनियम और बोरान सिलिकॉन। ठीक है, अब जो नंबर वन दिया हुआ है, डेट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये यहाँ दिखाया हुआ भी है। अब लिथियम जो है, दिस इज़ द लिथियम क्या है, फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, फैमिली का, कौन सी फैमिली का, कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है बाकी वाले एलिमेंट से, सेम ग्रुप के अंदर, और इसका क्लोज रिजेंबलेंस है मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ये सेकंड एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल, दैट इज ग्रुप टू, जिसके साथ ये लिंक्ड है डायगोनली। दूसरे वर्ड्स में अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है ये एग्जिबिट करते हैं डायगोनल रिजेंबलेंस या डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा देखा गया है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये नोटिस किया गया है और सिर्फ उन पेयर में, उन एलिमेंट्स के, उन सिर्फ मतलब इन्हीं एलिमेंट्स के पेयर में, और किसी और प्रायोरिटी टेबल में, कहीं और प्रायोरिटी टेबल में ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अब कॉज क्या है, तो देखो, तो जो कॉज है डायगोनल रिलेशनशिप का, वो इज़ ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड जो है, एक अपोजिंग ट्रेंड जो है मेन प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स की अलॉन्ग पीरियड ऑन द ग्रुप, उनकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जो दोनों अटोमिक और आयोनिक रेडियाई हैं वो डिक्रीज करते हैं पीरियड के अक्रॉस, मतलब हॉरिजेंटली ऐसे, ठीक है, और इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे डोन द ग्रुप। ठीक है, अब आयोनाइजेशन इंथेल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फॉलो करती हैं अपोजिंग ट्रेंड, मतलब ये इंक्रीज करती हैं अलॉन्ग द पीरियड, इधर इंक्रीज करेंगे, और डोन द ग्रुप ये जो है ये क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। अब जैसे ही हम डायगोनली मूव करेंगे, ठीक है, इधर से इधर डायगोनली मूव करेंगे, तो ये जो अपोजिंग ट्रेंड है एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल करते हैं। ठीक है, और जिसका नतीजा ये होता है, जो एलिमेंट हैं, जैसे ये ऊपर शो किए हैं, ये दो तीन पेयर, ये एग्जिबिट करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। समझ आ गई? चलिए अब सिमिलरिटीज़ देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के बीच। भाई क्या क्या सिमिलरिटीज़ है? नंबर वन, दोनों के दोनों जो मेटल्स हैं ये क्वाइट हार्ड हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं दोनों के, और दोनों के दोनों जो मेटल्स हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं बाकी मेटल्स से, जो इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप, जिस जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, उन उस ग्रुप के एलिमेंट से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। और नंबर टू, दोनों के दोनों इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन वाटर से। ठीक है, अब जब मतलब लिथियम का रिएक्शन करवा दिया वाटर, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा दी। देखते हैं रिएक्शन, हम यहाँ पर देखिए, जब लिथियम की रिएक्शन वाटर से करवा दी तो हमारे पास H2 गैस निकल गई, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का मतलब कर दी, वाटर के साथ रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, तो H2 गैस निकल गई। अब नाइट्रोजन के साथ दोनों लिथियम और एल्युमिनियम
नाइट्राइड्स बनाते हैं जब आप इसको हीट करें, तो ये हमारे पास लिथियम है, ये नाइट्रोजन है, तो इनको जब हीट किया तो लिथियम नाइट्राइड बना दिया और यहाँ मैग्नीशियम नाइट्राइड बना दिया। बाकी आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं है इसमें। उसके बाद देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। देखो बेरिलियम और एल्युमिनियम जो है ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। यहाँ पर जो साइज है दोनों एटम्स का वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। जो बेरिलियम है दैट इज़ 0.45 एंगस्ट्रॉम और वहीं एल्युमिनियम का 0.53 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों का सेम है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, अब सम प्रॉपर्टीज़ जो इन दोनों के बीच कॉमन है उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, हाई चार्ज डेंसिटी दोनों पे है और दोनों के दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नंबर टू, जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं प्रोसेस ये पैसिव हैं टूवर्ड्स एक्शन ऑफ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्योंकि जो फॉर्मेशन है फिल्म जो एक ऑक्साइड जो बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो फिल्म बन जाती है ट्राईऑक्साइड की, और जो शेड ऑफ करती विच जो मेटल की सरफेस शेड ऑफ नहीं होती। बाकी ऑक्साइड जो हैं दोनों एलिमेंट्स के एम्फोटेरिक है नेचर में, मतलब एसिड एम्फोटेरिक का मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। एसिड के साथ रिएक्शन दिखाई हुई है, यहाँ बेस के साथ रिएक्शन दिखाई हुई है। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ एसिड बेस के साथ रिएक्शन दिखाई हुई है इनकी ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो हैलाइड है दोनों एलिमेंट्स के, ये दोनों के दोनों सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल में, दारू में है ना, ईथर में, एसीटोन वगैरह में। अब उसके बाद जो क्लोराइड्स हैं दोनों एलिमेंट्स हैं, इनमें ब्रिज टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है इनके। ठीक है, और बाकी आप खुद कर लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिएगा, नोट्स में भेज दूँगी, कुछ भी इतना टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन। अब जो बोरॉन है जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 13 का, ये शो करता है डायगोनली सिमिलरिटी सिलिकॉन के साथ। अब जो कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं दोनों एलिमेंट्स के वो क्या क्या हैं। नंबर वन, दोनों के दोनों जो हैं नॉन मेटल्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और हाई आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। नंबर टू, एलोट्रॉपी है वो बोरॉन भी शो करता है और सिलिकॉन भी। ठीक है, नंबर थ्री, जो कंपाउंड्स हैं दोनों के वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। नंबर फोर, दोनों के दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं मेटल के साथ एक तरह के कंपाउंड बनाने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम बोराइड बना दिया, यहाँ पर सिलिकॉन सिलिकाइड बना दिया। ठीक है, और बाकी आप खुद एक दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा, नोट्स आई विल सेंड यू। आज के लिए इतना ही, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।